गाइस कैसे हो? सारे के सारे तो मैं नाम इंदा मेरे यूट्यूब चैनल से स्वागत है। तो अब आज डे टू है। आज मैं पूरा दिन सुबह से बारिश ही बारिश के वजह से मैं निकल ही नहीं पाया। तो अभी 7 बज रहे हैं, अब 7 बजे निकलने वाले हैं। अभी जस्ट मैं रेडी हो गया हूँ, निकलने वाले हम सब। मैं और एक दूसरी फैमिली जा रहे हैं, दोनों दो फैमिली जा रहे हैं। तो पेरेंट्स से दिखाऊंगा नहीं, बस जस्ट कौन से पंडाल जाऊंगा, क्या जाऊंगा, बस वो सब दिखाऊंगा, या कहीं खाने जाऊंगा तो वो जरूर दिखाऊंगा। तो बस आज की ब्लॉग नॉर्मल नॉर्मल रहेगी, कल मजा आएगा क्योंकि कल है, कल बता दूंगा कल क्या, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो निकलता हूँ जल्दी है, चलो चलो बाय बाय। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं मरंचा के पंडाल में। बहुत भगवान बहुत सही बनाया गया। आ चुके हैं जब बीना ग्राउंड में, ये गोल बाजार के एरिया में गिरता है। तो बहुत तरह कीचड़ कीचड़ मेला भी लगा है। मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ, रुको। ये इन लोगों का मेला है, वहाँ पे सेव ड्राइव सेव लाइफ का, हाँ सेव ड्राइव सेव लाइफ का एक मोटो का एक पंडाल बनाया जो बहुत सही है। और ये हमारा सेकंड पंडाल है, सेकंड पंडाल नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू कल के पंडाल पे आज ये 5th पंडाल है। ठीक है, और आज के वीडियो के लिए ये सेकंड पंडाल है। तो यहाँ पे मेला बैठा है, खाने होने का जगह है, वहाँ पे सेव ड्राइव सेव लाइफ का वहाँ पे मेला बैठी है। और ही बहुत मेला बैठा हूँ, तल बगीचा घूमने वाला है, फिर ऑलरेडी घूम चुके थे और एक पंडाल बाकी रह गया था, वो भी दिखा देंगे आपको। बस ये देखो यहाँ पे पंडाल है दूर में, तो मैं आप सामने जगह दिखाता हूँ। अपने सामने आ चुके हैं, देख सकते हो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के ऊपर पंडाल बनी हुई है। तो अंदर चल के देखते हैं भगवान कैसे, भगवान वाह बहुत सही लग रहा है, एक बार देखते हैं अंदर जाके। चलो भगवान देखने वाला है, बहुत बहुत ही ब्यूटी बना है, बहुत ही ब्यूटी दिखाता हूँ आपको। ऑसम वर्क किया गया है इसके ऊपर, आप देख सकते हो बहुत डिटेलिंग में वर्क की गई है भगवान के ऊपर, दिखाता हूँ आपको। वर्क देखो, चलिए अब नेक्स्ट पंडाल में जाकर मिलते हैं। आ चुके हैं ओबी यात्री में, आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा पंडाल बनता है। तो इस बार कुछ पैलेस बनाया है इन्होंने जो ठीक ठाक है, क्या खुद ही देख लो, मैं क्या बोलूँ, खुद ही आप देख लो कैसा है कैसा नहीं है, सही तो लग ही रहा है भाई। अब बाकी देखो, अब अंदर जाके देखते हैं भगवान कैसा है कैसा नहीं है। चलो देखो, भगवान बहुत ही सुंदर बनाई है, देखा था। बैक साइड है पंडाल का, हम लोग भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत गर्मी से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, भगवान की फोटो देखने में कैसा लग रहा है, बहुत ही सही, भगवान तो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर भगवान चल रही है, दिल्ली का कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है, बहुत सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल, देखते हैं, नहीं सिंगल पंडाल को दिखा रहा हूँ आपको, मेंशन कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पंडाल। अभी हम लोग आ गए हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और ये साउथ साइड, साउथ साइड आप कह सकते हो, साउथ साइड गिरता है।
तो आगे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सही बनाया यार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत सही है। लाइट थोड़ा अजीब आ रही होगी तो दिखाता हूँ कुछ इस तरफ से आया, और अभी देखते हैं। लाइन आई थिंक लाइन लगा है, बहुत सही लग रहा है। देखो यहाँ से दिखाता हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, नॉट यूनिटी, दिस इज लिबर्टी। ओके देन मैं आपको कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा होगा, बट आपको मैं आपको रियल में दिखाता हूँ। रुको, बहुत ही सही लग रहा है गाइस, मजा आ गया। ये हर साल अभी 3 साल से ना बहुत बेहतर कर रहा है, और इस साल भी बहुत सही लगती है, दिखाता हूँ आपको। रुको, वाओ, दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है। लाइन देना पड़ेगा, लाइन देते थे आपको, आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब जा सकते हो अंदर, ठीक है। तो गाइस क्या लग रहा है इधर से, लोगो मैं आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ, बहुत सही लग रहा है यार। लाइन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके बाद ही आपको जा सकते हो, बहुत सही बनाएगा इससे। लाइन के बाद हम लोग को इधर मिल चुका है नियर आने का मौका, अभी और अंदर जाना है। असल में हमको ऊपर जाना है ऊपर से, और ये 100 कितना फीट का पंडाल है, जो खड़गपुर में एकमात्र सबसे लंबा पंडाल है, सबसे बड़ा पंडाल कह सकते हो क्या है, और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, अभी अनाउंसमेंट करेगा तो मैं बता दूंगा, बस मैं भूल गया, ठीक है, भूलने की हमारी याद आ रहा है। तो ये देख रहे हो पंडाल बहुत सही है, ये लाइनिंग ऑर्गेनाइज, अच्छा ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सही है। और चलो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, बहुत सही लग रहा है सामने से तो। हाँ अब देखो डिटेलिंग देखो, बहुत सही लग रहा है। और ये खड़गपुर का सबसे लंबा टॉलेस्ट पंडाल में से एक है क्या, टॉलेस्ट पंडाल ही है ये, दूर से पता नहीं चल रहा, सामने से आओगे तो पता चलेगा कितना हाइट है इसका, ठीक है। और ये देखो लाइन बहुत ही लंबी है गाइस, बहुत ही लंबी है। और इधर सारे इधर फोटोज़ खींच रहे हैं, और ये हम इधर से ऊपर जाएंगे अभी, इधर से हम लोग एंट्रेंस करने वाले हैं अभी। दुर्गा पूजा की पैंडल पिछले भाई अपना देखे बार बार अनुरोध करा हे अपना पैंडल हाथ देवे ना। अपना ने देख सकते हो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर आ गए, और यहाँ से व्यू, और इधर बहुत खाली खाली है, बहुत सही लग रहा है। और डोंट टच के लिए बोला गया, और भगवान भी देख सकते हो, मतलब भगवान बहुत हाइट लेवल पे है एज अ ग्राउंड लेवल से, ये भगवान मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ बहुत सही लग रहा है, बहुत सुंदर बनाया है। ये भी एक थीम बन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थीम में ही, आप अगर भगवान को ठीक से देखोगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थीम में ही है, बहुत सही लग रहा है, पूरा मैच किया है इसके साथ। तो ये एग्जिट है इधर से, हम लोग अभी एग्जिट करेंगे, बहुत सही, यहाँ पे फोटोज़ खींच सकते हो, फिर को मैं भी खींच लेता हूँ। इधर लाइट तो बहुत ही सही है, वैसे चाहिए तो तेरा वीडियो बना लो, और डम हो रही है लाइट, तो ये हाइट बहुत ऊपर है, मुझे बहुत सही लगा कि तो टॉरिस्ट पंडाल है। तो देखते हैं, मैं भी कमेटी मेंबर से पूछा तो इन्होंने बोला कि 105 फीट का ये पंडाल है, जो खड़गपुर में सबसे टॉलेस्ट है, तो बहुत ही सही है गाइस, बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, और खाली भी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कितने हाइट में अब वहाँ पे देखो, हम लोग लाइन दिए थे घूम के आके ऑर्गेनाइज वे में, और इधर से भी इधर सुंदर लाइटिंग की गई है, और लाइट तो बहुत ही सही है। चलो हम चलते हैं नीचे, एग्जिट है देख सकते हो, इधर से बहुत ही सही लग रहा है यार। हाँ आप देखो बहुत सही लग रहा है, और ये एग्जिट वे में, चलो हम लोग एग्जिट करते हैं अभी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पंडाल भी कौन सा जाए, क्या करा जाए। और मैंने आपको बताया कि 105 फीट का पंडाल है जो सबसे टॉलेस्ट है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पंडाल कौन से में जाया जाए, क्या किया जाए, तो नेक्स्ट पंडाल मिल जाएगा इस, तो देख लो लास्ट टाइम देख लो एक बार। मुझे ये पंडाल बहुत अच्छी लगी कि ऑर्गेनाइज्ड है, खाली है, बहुत सही है, बहुत अच्छे जगह लेके बनाई गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्मी भी उतनी नहीं था, क्राउड भी उतनी नहीं थी, और सब ऑर्गेनाइज थे, तो बेस्ट थम्स अप जाता है इस पंडाल को। तो आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे पंडाल बाकी हैं, तो देखते चलो उसमें नेक्स्ट पंडाल में मिलते, चलो।
मैं वो सामने जाके दिखा दूँ। साइड में कि ये आई टी के पीछे रास्ता है और इसके साइड में एक बहुत अच्छा पटेल बना रहा था लेकिन यही भी इसको फॉलोअप कर ही लेते हैं तो देखते हैं इस कैसा है कैसा नहीं। आप देखिए तो सामने नाल है, मैं कुछ लेके दिखा देता हूँ। बहुत सही लग रहा है, लाइटिंग तो बहुत सही है गाइस। आप देखते हैं अंदर कैसा है कैसा नहीं है। एक वो एक थीम के ऊपर बना, बट कौन सी थीम मुझे नहीं पता है, बट एक थीम है ऐसा। हैरी पॉटर नहीं है, कुछ हॉरर सीन है, कुछ हॉरर हाउस लग रहा है। देखो इधर देखो, हॉरर हाउस इधर कुछ सीन लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हाँ हॉरर हाउस ही है। असल में ये हॉरर हाउस की पूरी थीम बनेगा, ये इधर से एंट्रेंस है। चलो देखते हैं आगे। हॉरर हाउस वाला फील दिया इन्होंने पूरा। आगे देखते हैं कैसा है। स्टेप्स है, याद रखना है स्टेप्स है। और ये यहाँ भगवान देखते हैं। वाह, भगवान भी पूरा ये मतलब हॉरर थीम के ऊपर बेस किए हैं। देखो एक बार, बहुत सही लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा लगा ऐसे, बहुत सब भी बहुत सही लगा। चलते हैं इधर, बहुत हॉरर सीन है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही सही बनाया इन्होंने। अब देखते हैं नेक्स्ट पंडाल हमारा क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं, आज बहुत सारा पंडाल डिकवर हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पंडाल। स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अपना खाना भी ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं कब आता है क्या नहीं आता है। मैंने वही मिक्स फ्राइड राइस लिया है और बहुत से लंबे लंबे डिश के नेम थे, चिकन टिक्का कुछ नहीं बनता वैसा कुछ था। देखते हैं कैसा कैसा नहीं है। खाना जब आता तो आपको खा कर दिखा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, वेटिंग था, अच्छा खासा लगता है, मिल गया जल्दी। तो देखते हैं, फ्राइडे आ चुका है। मैं बहुत ही सही लग रहा है गाइस, मज़ा आ गया हमारा। वैसे ही बहुत ही सुंदर है, मैं खा के आपको रिव्यू देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा ठीक से। ठीक है, तो अभी मैं खा लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड दिखाता हूँ। चिकन कढ़ाई, बस क्या नाम है पता नहीं चिकन का, ये है मिक्स फ्राइड राइस, सब कुछ दिया हुआ है। बहुत टेस्टी होने वाली है, मैं खा के पूरा बताता हूँ। उनसे खा के आ गया, पर बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। खाना टू बहुत सही, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट खाया है, बहुत अच्छा लगा। पुष्ट मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत सही है पुष्ट स्टूडियो, आप जरूर आके विजिट कीजिए, बहुत सही है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं कहता हूँ जस्ट सही है, बहुत सही है खाना। थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा है, बट बहुत सही है खाना, आप जरूर आके ट्राई कीजिए। बस पेट पूरी भर चुकी है गाइस, अब चलते हैं। अब और दो पंडाल बाकी है, वो पंडाल दिखा के मैं वीडियो एंड कर दूंगा। डे 2 सुबह से तो कुछ नहीं हुआ, बट जो हुआ सब शाम के बाद से शुरू हुआ। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं।